हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटे से स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 आज से स्टार्ट है। इसके पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, साथ में हमारा ये ऐप भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये जो हम आपको पढ़ाते हैं और आपकी सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास जो है बहुत ही हमारी इजी होने वाली है। क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। तो हमें विपरीत लिखना है। विपरीत का मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। तो उल्टा हमें यहाँ पे लिखना है। तो ए वाले में हमारा क्या लिखा है, भार में वृद्धि हो रही है, तो इसका उल्टा हो क्या होगा, तो भार में हमारी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भार में कमी जो है वो इसका भार में वृद्धि का उल्टा हो जाएगा, बस। और बी वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। भाई हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं। ये होती है हमारी ईस्ट, ये होती है हमारी वेस्ट, ये होती है हमारी नॉर्थ, ये होती है हमारी साउथ। ईस्ट को हम क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं। वेस्ट को हम क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ को हम उत्तर कहते हैं और साउथ को हम दक्षिण कहते हैं। भाई इन्होंने उत्तर दिशा की बात की है, तो उत्तर हमारा कहाँ पे है, उत्तर हमारा यहाँ पे है। उत्तर का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेम 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। क्या लिख देंगे, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ये हो जाएगा बी वाले क्वेश्चन का उल्टा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है हमारा सी वाला, ठीक है। सी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 80 मीटर पूर्व, ठीक है। पूर्व हमारा इधर है, तो पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 80 मीटर पश्चिम, ठीक है। ये हो गया उल्टा। और आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखा करो भाई। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। नहीं किया है जरूर कर लेना, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो। ये है हमारा डी वाला पार्ट। यहाँ पे लिखा है 700 रुपए की हानि। हानि का उल्टा क्या होता है भाई, लाभ होता है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 700 रुपए का लाभ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका उल्टा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन अभी और हमारा बचा हुआ है। इसमें समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका उल्टा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन वन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर मतलब उसे लिखना है। चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो पॉजिटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। आपके इस चैप्टर में दो चिन्हों की बात की गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, जब कुछ अच्छा हो तो पॉजिटिव कहते हैं, जब कुछ बुरा हो तो नेगेटिव कहते हैं। जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है, जब नीचे जाता है तो हमारा नेगेटिव होता है। जब लाभ होता है तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, जब हानि होती है तो हम नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। ये होते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊपर उड़ रहा है ना, ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस 2000 मीटर, मतलब ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा है ना, तो प्लस 2000 मीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बी वाला देखते हैं। तो बी वाले में इन्होंने क्या लिखा है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में, गहराई में मतलब नीचे, अब कितने मीटर की, 800 मीटर की। तो हम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव निशान लगाएंगे, क्योंकि गहराई की बात कर रहा है। अब हम सी वाला देखते हैं, खाते में 200 रुपए जमा करना, जमा करना, ठीक है। जमा करने का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। जमा का मतलब पॉजिटिव, निकालना का मतलब
नेगेटिव जी भाई, कोई हमारे पास रुपए रखे हुए हैं, हम निकालेंगे तो हमारे रुपए कम हो जाएंगे ना, ठीक है। हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, ज्यादा के लिए प्लस, कम के लिए माइनस, ठीक है। ऐसे ही तो जमा कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 200 रुपए। फिर यहाँ पे डी में क्या कह रहे हैं, खाते में 700 रुपए निकाल रहे हैं। निकालने का मतलब अभी हमने बताया, घटाना मतलब माइनस करना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 700 रुपए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पूरा कंप्लीट। आप करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं भाई, थर्ड वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। संख्या रेखा हमने प्रॉपर तरीके से आपको समझाई हुई है इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या रेखाएं जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। संख्या रेखा बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग इसको थोड़ा टफ मानते होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि संख्या रेखा, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो 5 लाइंस जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर ले ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 लाइंस हो गई हैं, और 5वीं लाइन हम, चलो थोड़ा स्पेस और कम कर देते हैं, नहीं तो आ नहीं पाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया हमारा 5वीं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये लाइंस जो है वो हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे नेमिंग करनी है। कैसे नेमिंग करनी है, तो भाई सबसे पहले तो हम बता देते हैं, ये ए वाले के लिए है, ये बी वाले के लिए है, ये सी वाले के लिए है, ये डी वाले के लिए है, और ये ई वाले के लिए है। यहाँ पे हमें 0 बना लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 0 यहाँ पे बना लेते हैं, इसमें 0 यहाँ पे बना लेते हैं, इसमें 0 यहाँ पे बना लेते हैं, इसमें 0 यहाँ पे बना लेते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया, तो आंसर हो जाएगा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें पॉजिटिव संख्याएं ज्यादा है, इसमें नेगेटिव संख्याएं ज्यादा है। तो हम जानते हैं ये हमारी होती है संख्या रेखा, बीच में 0 होता है, इधर की सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, इधर सारी नेगेटिव संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 1, 2, और ये दूरियां जो है वो आपको स्केल से माप कर करनी है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी सारी पॉजिटिव संख्याएं, और इधर जो संख्याएं होंगी वो हमारी नेगेटिव होंगी, जैसे -1, ये हमारा -1 लिखा हुआ है, चलो इसको सही कर देते हैं, ठीक है। -1, -2, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है। ये हमारा -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और इधर -1, -2, -3, इधर 1, ये 2, ये 3, इधर +1 बना लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब हमें क्या करना है भाई, संख्या रेखा पे बताना है, क्या बताना है, +5 बताना है। +5 हमारा कहाँ पे है, ये है, ठीक है। ये हमारा क्या है, +5, संख्या रेखा पे हमने इसको बना दिया। -10 कहाँ है, ये है, तो -10 हमने यहाँ पे बना दिया। +8 कहाँ पे है, ये है, ये हो गया हमारा +8। फिर -1 है, -1 हमारा कहाँ पे है, ये है, ये हो गया -1। ई वाला -6 है, तो -6 हमारा ये रहा, इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। सारी संख्याएं जो है वो हमने संख्या रेखा पर इस तरीके से बना दी। आपने देखा ना कितना इजी तरीके से ये हमारा संख्या रेखा पे ड्रॉ हो गया है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों को हमारी क्लासेस को शेयर करना मत भूलिएगा। जो अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं उनको मैं अपने कम्युनिटी टैब में लगाती हूँ, सब लोग पढ़ते हैं उनको, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।